हमारे चैनल हाउ टू सीखे के साथ अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल के आइकॉन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, बैंक शाखाओं में सिक्के जमा नहीं होने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने एक बार फिर से सभी बैंकों को आदेश जारी कर दिया है। RBI ने अधिसूचना जारी करते हुए सभी बैंकों को कहा है कि वह अपनी सभी शाखाओं में सिक्के जमा करने को सुनिश्चित करें। RBI ने कहा कि बैंक शाखाओं में सिक्के जमा नहीं करने की वजह से दुकानदार और छोटे व्यापारी ग्राहकों से सामान या सुविधाओं के बदले सिक्के नहीं ले रहे हैं, जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सभी बैंकों को सलाह दी गई है कि वह तुरंत प्रभाव से अपनी सभी शाखाओं में छोटे बड़े सभी तरह के सिक्कों को या तो जमा करें या बदलें, ताकि ग्राहक जो है मार्केट में अच्छे से अपना सामान खरीद पाए। RBI ने बैंकों को 1 और 2 रुपए सहित सभी तरह के सिक्कों को जमा करने के लिए कहा है। RBI ने यह भी कहा है कि 100-100 सिक्कों को अलग अलग पॉलिथीन के पाउच में भरकर जमा किया जाए, जिससे ग्राहकों और कैशियर को पूरी सहूलियत बनी रहे। RBI ने बैंकों को सुझाव दिया कि इस तरह के प्लास्टिक के पाउच को बैंक काउंटर पर रखा जा सकता है ताकि ग्राहक इनका इस्तेमाल कर सके। बैंक इस तरह के पाउच के इस्तेमाल के प्रति ग्राहकों को जागरूक करने के लिए शाखा के अंदर और बाहर नोटिस भी लगा सकते हैं। RBI ने बैंकों को सुझाव दिया कि बैंक शाखाओं में सिक्कों के जमा करने या बदलने की व्यवस्था की सही ढंग से चलाने के लिए कंट्रोलिंग ऑफिस शाखाओं का अचानक निरीक्षण कर सकते हैं और व्यवस्था की पूरी रिपोर्ट हेड ऑफिस को भेज सकते हैं। रिपोर्ट के आधार पर अगर कोई कार्रवाई करने की जरूरत होती है तो हेड ऑफिस तुरंत उस बैंक पर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगा। RBI ने सभी बैंकों को एक बार फिर से चेतावनी देते हुए कहा है कि सिक्के जमा करने को लेकर अगर किसी तरह की कोई भी ढील पाई गई तो इसे रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन समझा जाएगा और बैंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले भी कई बार एडवाइजरी जारी करी है और बैंकों को सिक्का जमा करने को कहा था। एक बार की एडवाइजरी में RBI ने सभी बैंकों के नोटिस बोर्ड लगाने के लिए कहा था, जहां पर लिखा होना चाहिए था कि सिक्के यहां जमा होते हैं। और दूसरी बार की एडवाइजरी में RBI ने सभी बैंकों को सिक्का मेला लगाने के लिए कहा था, लेकिन उसके बाद भी किसी भी बैंक ने RBI के इस रूल को नहीं माना। तो फ्रेंड्स, अब देखने वाली बात होगी, ये तीसरी एडवाइजरी RBI ने जारी की है, क्या इस एडवाइजरी को सभी बैंक मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो फ्रेंड्स, RBI इस तरह की एडवाइजरी जारी करता रहता है, लेकिन बैंक अपनी मनमानी करने पर लगे हुए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपके एरिया में 10 के सिक्के या फिर 1 या 2 के सिक्के चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, और बैंक वाले उनको जमा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई भी बैंक वाला किसी भी सिक्कों को लेने को तैयार नहीं है और मार्केट में तो बुरा हाल है, किसी तरीके का कोई भी सिक्का लेने को तैयार नहीं है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्किल के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबा लीजिए। दबा लेने के बाद एक बेल का आइकॉन आ जाएगा, आप उसको भी दबा लीजिए ताकि इस तरह का कोई भी बेहतरीन वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।